राजस्थान को आज अपना नया सीएम मिलने जा रहा है। दोपहर 12:15 पर भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भजनलाल के साथ राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आज राजस्थान को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है भजनलाल शर्मा के रूप में, और दोपहर 12:15 पर वो आज पद और गोपनीयता की शपथ भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं और भवानी हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या खास तैयारी जो है आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की गई है। दो डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेने वाले हैं। भवानी, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या तैयारी नजर आ रही है शपथ ग्रहण को लेकर? देखिए, मैं अस्थाई सीएम हाउस है जयपुर के अंदर, बिजली बोर्ड का गेस्ट हाउस, वहां पर हूँ। अभी भजनलाल शर्मा जो मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो मंदिर निकले हैं दर्शन करने के लिए। गोविंद देव जी मंदिर गए हैं और उसके बाद में वो एक गौशाला जाएंगे, पिंजरापाल गौशाला, गायों को चारा खिलाएंगे, फिर एक मंदिर और जाएंगे, उसके बाद में सीधे अल्बर्ट हॉल जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा वहां पहुंचेंगे आज राजस्थान के नए सीएम की शपथ लेने के लिए। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। तकरीबन 11 मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया, अलग अलग राज्यों के 16 केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत भव्य एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसके अंदर शर्मा शपथ लेने वाला है। उनके साथ में दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से भवानी इस बार भजनलाल शर्मा को कहीं ना कहीं ताजपोशी उनकी होनी है, एक नए अध्याय के तौर पर देख सकते हैं इसे राजस्थान में, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भजनलाल शर्मा जो आखिरी पंक्ति में खड़ते हैं उन्हें ये पद दिया जा सकता है। देखिए, काफ़ी कुछ अब की बार मायने, एक मायना तो ये है कि पहली बार एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर है। वो बेहद साधारण परिवार से आते हैं, यहाँ पर जयपुर में फ्लैट के अंदर रहते हैं, इसी वजह से यहाँ अस्थाई सीएम हाउस में, क्योंकि जब तक सीएम हाउस तैयार नहीं हो जाता है। और इसके अलावा भजनलाल शर्मा, आप देखिए कि एक पीढ़ी परिवर्तन है, 56 साल के भजनलाल शर्मा, इससे पहले वसुंधरा राजे लंबे समय तक, यानी कि एक दशक तक वो मुख्यमंत्री रही थी, अशोक गहलोत लंबे वक्त तक रहे। तो बीजेपी के अंदर एक पीढ़ी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, नई टीम यानी जनरेशन 2 को मौका दिया जा रहा है, जिसमें भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के रूप में। तो राजस्थान के अंदर काफ़ी कई चीज़ें मायने रखती है कि भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। और दूसरी बात है कि पहल वो संगठन के एक कार्यकर्ता, एक नेता के रूप के अंदर रहे हैं, उनकी पहचान एक रही है कि काम करने वाला व्यक्ति रहा है लगातार, वो 2016 से लगातार संगठन प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश महामंत्री के पद पर काम कर रहे हैं और संघ से जुड़े हुए हैं काफ़ी। तो इसलिए आप बीजेपी के अंदर एक तरह से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश है, एक उम्मीद जगाने की कोशिश है कि काम करने वाला व्यक्ति है तो ज़रूरी नहीं कि वो नेता हो, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। पहली बार वो विधानसभा के अंदर पहुँचे, आप देखिए कि सांगानेर से वो चुनाव लड़ा उन्होंने, हालांकि वो भजनलाल शर्मा पहले भरतपुर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन सांगानेर जो बीजेपी की सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है जयपुर की, वहाँ से टिकट दिया, चुनाव जीत के पहली बार विधायक और पहली बार मुख्यमंत्री। बिल्कुल, पहली बार विधायक और पहली बार मुख्यमंत्री, आप हमारे साथ बने रहे भवानी। लेकिन इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि जैसे ही भजनलाल शर्मा का नाम विधायक दल की बैठक में सीएम के लिए ऐलान किया गया, वैसे ही हर कोई चौंक गया था। भजनलाल को सीएम बनने के कोई भी कयास नहीं लग रहे थे। चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि भजनलाल शर्मा के सरपंच बनने से सीएम बनने तक का क्या कुछ सफर रहा है। भजनलाल शर्मा 27 साल की उम्र में भरतपुर के अटारी गांव के सरपंच बन गए थे। भजनलाल दो बार अटारी गांव के सरपंच भी चुने गए हैं। साल 2003 में भजनलाल ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और वो हार गए, यहाँ तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। साल 2016 से यानी कि लगातार 7 साल से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रहे हैं। भजनलाल ने 2023 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता है और पार्टी ने अब सीएम पद के लिए उन्हें नामित किया है, जो आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी बिल्कुल, देखिए तो देखिए लगातार ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भजनलाल शर्मा जो हैं सीएम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, दिया कुमारी डिप्टी सीएम के तौर पर, प्रेमचंद बैरवा भी आज डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर नजर आएगा, ब्राह्मण
राजपूत और दलित डिप्टी सीएम, तो एक कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई है, संदेश देने की कोशिश की गई है, अगर आप पार्टी के लिए निरंतर काम करते रहेंगे तो पार्टी आप पर भरोसा भी जताएगी। आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा जो है 2016 से महामंत्री के तौर पर प्रदेश में लगातार काम भी कर रहे हैं। इससे पहले ये भी जानकारी मिल पाई है कि 2018 में इन्होंने विधानसभा के लिए टिकट भी मांगा था लेकिन इन्हें मिला नहीं। उसके बाद निर्दलीय भी बीजेपी के खिलाफ ये जरूर लड़े थे लेकिन उसके बाद अब देखिए कि किस तरीके से पहली बार विधानसभा में आए और उसके बाद सीधे भजनलाल शर्मा को ये बड़ा पद दिया गया है। तो राजस्थान को आज अपना नया सीएम मिलने जा रहा है। दोपहर 12:15 पर भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ भी लेने जा रहे हैं। दो डिप्टी सीएम भी आज राजस्थान को मिलने वाले। 52 साल की दिया कुमारी देश के सबसे अमीर राजघराने में से एक जयपुर राज परिवार की राजकुमारी है और संगठन में अच्छी पकड़ रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद भी है। इतना ही नहीं, बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रही है। अब आपको ये भी दिखाते हैं दिया कुमारी का सियासी सफर किस तरीके का रहा है। साल 2013 में दिया कुमारी पहली बार सवाई माधोपुर से विधायक बनी थी। साल 2018 में दिया कुमारी ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। साल 2019 में राजसमंद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से जीतकर वो सांसद बनी। दिया कुमारी साल 2023 में विद्याधर नगर से विधायक बनी है और दिया कुमारी पिछले 2 बार से राजस्थान बीजेपी की महामंत्री भी है। और देखिए इस बीच लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, एक और अपडेट आपको दे दें क्योंकि प्रेमचंद बैरवा भी आज डिप्टी सीएम के तौर पर जो हैं शपथ लेने वाले। इनका सियासी सफर क्या कुछ रहा है ये भी आपको बता देते हैं। प्रेमचंद बैरवा दूसरी बार दूदू से बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। बैरवा ने अशोक गहलोत के सलाहकार को हराकर दूदू से विधानसभा चुनाव जीता है। साल 2013 में पहली बार दूदू से ये विधायक चुने गए, हालांकि 2018 में वो चुनाव हार गए थे। साल 1995 में बैरवा ने एबीवीपी से राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इस बीच आपको बता दें कि बैरवा बीजेपी एससी मोर्चा के सह प्रभारी भी हैं, साथ ही वो महासभा के अध्यक्ष भी हैं। तो आपको बता दें कि आज देखिए तीन बड़े चेहरे हैं जो आज मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं और लगातार अब आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इनका सियासी सफर रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं पर इस बार यानी कि लाइन 2 के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भरोसा जताया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में भी कहा है कि पुलिस ने चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। आपको बता दें जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था जहां